हेलो गाइस, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वीक्यू लर्न गुरु। आपका इस चैनल में स्वागत है। आपको आज इस वीडियो में मैं बीएससी फाइनल ईयर 2022 के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। एग्ज़ाम, जैसा कि आपको पता होगा कि एग्ज़ाम नज़दीक हैं और आप कम समय में कुछ अच्छा पढ़कर अच्छी परसेंटेज कैसे बना सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अच्छी परसेंटेज जब तब बन सकती है हमारी, तब हमको ऐसे क्वेश्चन पता हो जिन्हें हम पढ़कर जाएं और वे एग्ज़ाम में मिलें, उन्हें कहते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आप अच्छी तरह जानते हो कि ऐसे क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं। इसी के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है कि आप कम समय में कुछ अच्छा पढ़कर अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। लगभग आप इन क्वेश्चनों को पढ़कर, जो मैंने आपको लिए क्वेश्चन बनाए हैं, इन क्वेश्चनों को पढ़कर 75 परसेंटेज बना सकते हैं। मैं ये पक्का दावा करता हूँ कि आपकी 70-75 परसेंटेज बनेगी। कब बनेगी? तब इन क्वेश्चनों को पढ़कर आप एग्ज़ाम में जाएंगे, तभी बनेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं इन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके पढ़कर बता देता हूँ और आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप कॉफ़ी फैन लेकर इन क्वेश्चनों को लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं सभी क्वेश्चनों को बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर भी फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नाभिकीय परिरक्षण एवं विपरिरक्षण। नाभिकीय परिरक्षण एवं विपरिरक्षण, ये इसमें भी नेक्स्ट क्वेश्चन है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इससे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, घुमा फिरा के किसी तरीके भी पूछ लिया जाता है। तो आप NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसे अच्छी तरह से पढ़ें। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपको, किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं इसमें, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ें क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। चलिए फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चक्रण विपाटन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरनार अभिकर्मक से कार्बोनिल, सॉरी फ्रेंड्स, ये आपको जो दिख रहा है ये गलती से टाइप अलग हो गया, ये यौगिक है। क्या है? यौगिक है। कार्बोनिल यौगिक बनाने के लिए HCN का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्यों? आपको इसके बारे में बताना है। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पिरिडीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन तथा विन्यास की क्रियाविधि को समझाइए। चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ये सभी क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन नोट नहीं किए हैं तो मैं आपको सभी क्वेश्चनों को बता देता हूँ। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन लिखे हैं उनकी बात करते हैं। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब इसमें भी कई क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको भी आपको मैं पढ़कर बता देता हूँ। क्रॉप संश्लेषण, आपको क्रॉप संश्लेषण के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरिडीन में फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया, पिरिडीन में फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया उसको आपको समझानी है। तीसरा क्वेश्चन है इसका, विस्लर नेपी एरोल्सीफी संश्लेषण। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, एनोमर को समझाइए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलियानी संश्लेषण, इसको आपको बताना है। और इसका भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटोनिक अम्ल सक्सेनिक अम्ल के बारे में आपको बताना है, इनको आपको याद करके जाना है और इनको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट व उसका वर्गीकरण, आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में संपूर्ण पढ़ना है और उनका वर्गीकरण आपको याद करना है। चलिए फ्रेंड्स, आपने इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और आपको मैं नेक्स्ट पेज के जो क्वेश्चन हैं उनको भी मैं पढ़कर बता देता हूँ। निम्न को समझाइए, आपको क्या समझाना है? अनुलेखन व प्रतिकृतित्व के बारे में बताना है, अनुनाद व जेनेटिक कोड। तीसरा क्वेश्चन है, समविभव बिंदु व वर्गमान संश्लेषण। इसका चौथा है,
जीटर आयन व स्ट्रेकर संश्लेषण। चलिए फ्रेंड्स, आपको मैंने इसके सभी क्वेश्चन बता दिए हैं, अब नेक्स्ट पेज की ओर चलेंगे। आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पर आप लिख नहीं सकते हो तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और नेक्स्ट पेज के सभी क्वेश्चन आपको मैं पढ़कर बता देता हूँ। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जिगलर नाटा उत्प्रेरक व उसकी उपयोगिता। जिगलर नाटा उत्प्रेरक व उसकी उपयोगिता के बारे में आपको बताना है। इसका भी नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरोसिन व नाइलॉन 6, और इसका भी नेक्स्ट क्वेश्चन अलग है एक और, एपॉक्सी रेजिन व फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न की संरचना बनाइए। आपको इनकी क्या बनानी है? संरचना बनानी है। इन क्वेश्चनों की आपको संरचना बनानी है। क्रिस्टल बैंगनी व कॉन्गो रेड, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेलाइट हरित, मेलाकाइट हरित, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोफोर व ऑक्सोक्रोम। फ्रेंड्स, इनकी संरचना तो आपको याद करनी है, लेकिन इनका कभी कभी अंतर भी पूछ लिया जाता है कि क्रोमोफोर व ऑक्सोक्रोम में अंतर क्या है, तो आप इनका अंतर भी पढ़ कर जाएँ, क्योंकि एग्जाम में रहें जो कैसे भी घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, आपको मैंने सभी क्वेश्चन बता दिए, अब आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन है, इनको मैं पढ़कर बता देता हूँ। ब्यूना एस व पीवीसी, इसका अगला क्वेश्चन है टेफ्लॉन व एजोरंजक। प्रश्न संख्या इसकी बात करते हैं, साबुन व अपमार्जक क्या हैं? अपमार्जन की क्रियाविधि, इसको क्रियाविधि वगैरह बतानी है आपको। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमारा ये पेज है, इस पे आपको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लेकिन आपको मैं पढ़कर बता देता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। एमिनो अम्लों से आप क्या समझते हैं? गैब्रिल थैलेमाइड संश्लेषण से एमिनो अम्ल किस प्रकार बनाए जाते हैं? फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और ऐसी बताऊँगा जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वो क्या बात है? NMR संकेत, इसके बारे में आपको समझना है। आपकी बुक में आपको कहीं दिखे NMR संकेत, तो उसमें क्या होगा कि आपको कोई कंपाउंड दिया जाएगा, और कंपाउंड में देकर आपको पूछ लिया जाएगा कि इसमें NMR संकेत बताइए, या आपको सिग्नल लिख देगा NMR संकेत बताइए, आपको उस कंपाउंड में NMR संकेत बताने हैं। तो आप फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सही तरह से पढ़िए और समझें, जिससे आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करें एग्ज़ाम में, क्योंकि यह क्वेश्चन भी हर साल पूछा जाता है। एक नंबर या दो नंबर तीन नंबर के क्वेश्चन में आपसे हर साल पूछा जाता है। आपको दो कंपाउंड दे दिए और यूँ बोल दिया कि इन दो कंपाउंडों के इनमें NMR संकेत को बताइए। तीसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है रंग एवं संरचना का अणुकक्षक सिद्धांत। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण भी कहते हैं। जैसा कि आपने BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, पाई 2 पाई स्टार, सिग्मा 2 सिग्मा स्टार, यही इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के बारे में आपको बताना है। चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको सभी क्वेश्चन बता दिए हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको BSc फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो, और BA के। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन में आपको मिलती रहेगी। अगर आप सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, और आपको जो मैं क्वेश्चन वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी नहीं मिलेगी। इसलिए आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो एंड करते हैं और फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो।